सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्प माला, हम दास इनके ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की लीला है चला रथ ओ रथ वाले, तो है कबर क्या ओ भोले वाले, एक बार देखे जीना भरेगा, सौ बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, वास पाया माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, कब कब ये आए तब तब ये आए, इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, हा राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की लीला है न्यारी।
के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, शिव जीव है, जीव शिव है, पच रतन के चोला आए, जान तोला मोला है। भोला
सरस्वती माई तोला बंद हो खप्पर वाली दुर्गा दाई तोला बंद सुर की देवी सरस्वती माई तोला बंद हो खप्पर वाली दुर्गा दाई तोला बंद हो तोला बंद हो दाई तोला बंद हो तोला बंद हो माई तोला बंद हो तोला बंद हो दाई तोला बंद हो तोला बंद हो माई तोला बंद हो संबलपुर के समलाई तोला बंदवो कोरबा के सर बंगला दाई तोला बंदवो रतनपुर के महामाई तोला बंदवो डोंगरगढ़ के बमलाई तोला बंदवो संबलपुर के समलाई तोला बंदवो कोरबा के सर बंगला दाई तोला बंदवो चंदर सेनी तोला बंद हो रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंद हो चंदरपुर के चंदर सेनी तोला बंद हो रायगढ़ के बूढ़ी माई तोला बंद हो श्री नारायण श्री दाई तोला बंद हो नावागढ़ के मनका दाई तोला बंद हो पामगढ़ के महामाई तोला बंद चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी
जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। इस बार दिवाली भारत माँ के साथ, अगली दिवाली इस माँ के साथ। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये जिन के भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई, रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश आज खुशियों के हमारे नाम आए। कुटिया
भी दुल्हन सी लगे, कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। योगेश्वर राघवेंद्र सरकार की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह अंत के आयोजन होने जा रहा है। समस्त ग्रामवासी चौहत्ते ग्रामवासी के तत्वाधान में एवं उनके सहयोग से आदरणीय महाराज जी नवीन कृष्णाचार्य जी भगवताचार्य के मुखारविंद से आप नौ दिवस श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह ज्ञान धारा का आप अपने श्रवण से निर्देशित किया था। यजक समिति को निर्देशित किया गया था कि कोई भी यजमान यदि परीक्षित बनना चाहते हैं तो निसंकोच आप नौ दिवस के लिए, एक दिवस के लिए यथाशक्ति आप जितना दिवस के लिए आप परीक्षित बनना चाहते हैं वे सभी का हमारे ग्राम चौधरी के हृदय स्थल बाजार चौक में कथा स्थल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। निसंकोच ऐसे ना सोचे कि हमारे हमको तो किसी ने बोला नहीं और हम परीक्षित बनने के लिए तैयार हैं और कोई हमें ब्रह्म हृदय कवय मुह्यंतु यत्सूरया
तेजो बारिदाम थामिनमयो यत्तत्ति सर्वो प्रशान धामना स्वेन सदा निरस्तुत हुकम सत्यं परम धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवते नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। शोभगा माय शकराता तन्नो वातो मा
यो भुवा तुभे खजं तन्नमाता परधवी तत्पिता धियो तत्ग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तदसवीना त्रेणुतं धृषणायुवं तमीशानं जगतस्तस्थो वसपतिं हिनञ्जेन वामावशे हूमहि वयं मा पोखानो जथा वेदशामशतवृधे रक्षिता पायुरदवधः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृधत्रवाः स्वस्ति नः पोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेभादशवा मरुतः पृषणी मातरः सोभं जायमान मेधात खोजक मायाः अग्निर्जिह्वा मानवः सौरचक्षसो वृषभेनो देव अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देव भद्रं वस्येमाच्छाभिर्याजतराः स्थिरैरङ्गै स्तुष्टो वायोः शतमिन्दो शरदो अतिदेवाय शरानश्यकरा जरसन्तनोनां पुनराशो जररापितरो भवन्ति मानो मुयारीभिकर्ता युर्गन्तो आदित्योरदितिरन्तरिक्षमदिति माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अदिते पञ्च जन अदितिर्जातमदितिर्जनितवाम् ज्योः शान्तिरन्तरिक्षकम् शान्तिः पृथिवी शान्त्याप शान्तिरोकधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कौरवप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विषवानि देवासभे दुर्धुरेतानि परशुभं यद्वधरा तन्न अशुभ ॐ शान्तिः 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 भवतु। प्रेम शिवल वृंदावन विहरी लाल की जय। आइए भगवान को मंगल आरती, तत्पश्चात आप सभी महाराज जी के श्रीमुख से भगवत कथा प्रस्पान करेंगे। सभी श्री विदन रहेगा, आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे। हरिओम हरिओम। भैया थोड़ा आवाज खोलो। हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातक्षोः सुरुजो अजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः कर्पूरपूर्णेन मनोहरेण सुवर्णपात्रेण जलसंस्थितेन
प्रदीप भाषा सहसागतेना नीराजनान्ते भागवत भगवान के है आरते पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान की है आरते पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान के है आरते पापियों को पाप से है तारते अमर गंतिये मुक्ति पंतिये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर गंतिये मुक्ति पंतिये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर गंतिये मुक्ति पंतिये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर गंतिये गाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही 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 प्रभु जग मंगल किया पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी 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 श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जब बंध को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जब बंध को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जब बंध को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जब बंध को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभ की महिमा की पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भरपूर गौरव अरुणावतारा संसार सारा सुजगिंद्र हारा सदा वसंत हजार भवम भवानी सैतन भावे तुमेव माता च पिता तमेव तुमेव बंधुश्च सखा तमेव त्वमेव विद्याधरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा मन्दार बाला कुलपाल काले पाल बाला सित सरकराले ब्रह्मराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण आरोग्यार्थे आत्मा विवंदना अद प्रदीक्षिणा कुर्यात् प्रदीक्षिणा करे ॐ जय दर्थानि व्रजरन्द सिंहास्तानि गङ्गिरः ते खागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मशीः यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे अधमन्द्रपुष्पाञ्जलिः सर्वे यजमानस्य हस्ते अतिशत्पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ॐ मा जगन्नाते हनाकं महिमा वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् हरिः पुरुषाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदया हरिः ॐ हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो शुका प्रचोदया सेवन्ति काम्बकुलजाम्बकपार्थलभ्ये पुण्या गजामि करवेल्वरसालपुष्पै वेल्वाप्रवालतुलसे दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणात् परमेश्वर गृहाणात् कृष्णेश्वर यदि मंत्र पुष्पाणि समर्पयात् श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रेम सुबल वृंदावन विहारी लाल के राधा कृष्ण भगवान के व्यास नारायण भगवान के भागवत महापुराण के भक्तवत्सल भगवान के धर्म के अधर्म का कार्यों में भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के सतसंग की जय हो नम पार्वती पतये हर 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 महादेव श्री राधे आप सभी भक्तजन
मुख्य परीक्षित यजमान जी से निवेदन करूंगा कि व्यास पूजन के लिए आप आए। हरिओम हरिओम। व्यासाय व्यास रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। विद्या प्रसाद धरणी धरोहा विद्या प्रसाद कमलावरोहा विद्या प्रसाद अजितो जितोहा विद्या प्रसाद मम राम नामा विद्या प्रसाद मम राम नामा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरा तदपदं दर्शितं देवा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए सभी माताओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गुरुदेव जी की मंगल आरती करते हैं। हरे श्री राधा ओम चंद्रमा मनसो जागृतो सूर्यो जायत श्रोत्रांगाय प्राणस्य मुखादग्नि रजायत इदग्वंगवी प्रजननम मे अस्तु दशवीरग्वं सर्वगणग्वं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मा सुधत्त। सुमिरन तेरा यो मिल जाए
किसे प्राणपुरशुद्धमाय नमो नमः यज्ञेन यज्ञमय चंद्रदेवास्थान धर्माणि प्रथमान्य षण्डातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्या सन्ति देवाः प्रेम शुभल वृंदावन विहरि लाल के जय हो जय श्री राधे। आपके बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लगा आपके ग्राम चुरभट्टी में आकर। और बहुत ही सुंदर की बात यह है कि हमारे युवा भाइयों ने बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का संकल्प लिया और परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से श्रवण करने का यह संकल्प लिया और साथ ही साथ अपने ग्राम चुरभट्टी को पवित्र करने का, माता गंगा को धारा करने का शुभ संकल्प लिया। तो सर्वप्रथम आप सभी माताएं, आप सभी बंधुगण यहाँ पर विराजे अपना अमूल्य से अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी के हृदय पर विराजमान उस भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे युवा भाइयों, आप सभी को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने बहुत ही सुंदर प्रभु के भक्ति सभी के तन और मन में जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत जो है आप सभी ने प्रारंभ कराए। तो आप सभी ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी, चोरभट्टी ग्रामवासी को मैं सूचित करता हूँ कि आपके ग्राम में आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की ये गंगा जो है ननवरत 9 दिनों तक बहने जा रही है। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि भैया एक घड़ी नहीं दो घड़ी तो कुछ क्षण ही निकालकर जरूर कथा श्रवण करने यहाँ पहुंचे। भैया काम तो सभी को है पर ये कथा जो है दोबारा मिलने वाली नहीं है। कथा मिलेगी पर महाराज जी मिलने वाले नहीं है। तो इस तरीके से और इस प्रेम से आप सभी भाइयों को, आप सभी माताओं से निवेदन कि प्रतिदिन अपने कामों से निमित्त होकर समय निकाल कर जरूर यहाँ पहुंचे और पहुंचकर यहाँ कथा श्रवण करें और अपने जीवन को धन्यमय बनाएं। तो आज के समय तो हो चुका है इसलिए आपसे, आप सभी से समय हम ज्यादा नहीं लेंगे और समय ज्यादा ना लेते हुए आइए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करें। और आप सभी दूर दूर से आए, नगर से आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आइए आज प्रथम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करें। प्रेम से बोलो वृंदावन विहरि लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
स्वस्ति श्री की जी का
आशीष दो कर कमल से सिद्ध भई सब काम बरसानी की राधिका नंद ग्राम को इनके चरण प्रणति बारंबार प्रणाम करते हुए
श्री चरणों से प्रार्थना की, अपने व्यास पर धारण करें। पश्चात समस्त इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता को मेरा प्रणाम, भगवती महामाया शीतला चंडी को मेरा प्रणाम, श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम, भगवान राधा माधव के चरणों में प्रणाम। सबसे प्रार्थना के ऊपर व्यास पर धारण करें। दसों दिशाओं को प्रणाम, वस्त्र प्रकार से मेरी रक्षा करें। भगवान उमा महेश्वर के चरणों में प्रणाम, अपने विद्या वह मुझे प्रदान करें। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम, उनसे प्रार्थना की अपना ज्ञान, अपनी विद्या, अपना सामर्थ्य मुझे प्रदान करें। पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम, अपना दिव्य प्रेम आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। समस्त वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को प्रणाम, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। भगवती राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम, अपना दिव्य अलौकिक प्रेम मुझे प्रदान करें। और यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अकारण करुणा स्वरूप सत्चित आनंद सघन ज्ञान श्याम मूर्ति भगवान श्री नंदनंदन चंदन बाकी बिहारी के चरणों को प्रणित पाद करते हुए यह पावन धरा धाम ग्राम चुरभट्टी, जहाँ आप हम सब सर्वजन कल्याणार्थ, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की कामना से युक्त होकर भगवान श्री योगेश्वर श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति, अक्षर ब्रह्म शब्दाकार ग्रंथारूप यह भागवत महापुराण, जो कलिमल हरणी है, कलिकल विध्वंसनी है, ऐसी पुनीत कार्य के इस महायज्ञ के साक्षी भूत आप समस्त ग्रामवासी, हमारे प्रधान यजमान रामस्वरूप साहू जी, कमलेश जी, हेमंत जी, शपथने के और इस महायज्ञ के संचालक मेरे कृष्ण युवा संघ, जितने हमारे बंधु वरिष्ठ गण, नगर प्रधान, ग्राम प्रधान, हमारे पूर्व यजमान माने ग्राम सिन्हा जी, हरिदाव साहू जी, साथ ही अपने अपने क्षेत्र के इस कार्य को परिणित करने के लिए प्रधारे हमारे भाई श्री जितेंद्र जी, आप समस्त ग्रामवासी, मेरी मातृशक्तियां, मेरी प्यारी बहनें, छोटे बच्चों, हम मित्र युवा साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग जनों, ज्ञात अज्ञात, परोक्ष अपरोक्ष, दृश्य दृश्य विराजमान यहां उन अनंत दिव्य शक्तियों की चेतना को प्रणाम, आप सबके हृदय में रमने वाले ब्रह्म को मेरा प्रणाम। इस कथा के मुख्य कर्णधार मेरे कृष्ण सखा युवा टीम, एमन जी, चुम्बन जी, होरीलाल जी, भांति भांति जितने भी मेरे पूरी शिष्य मंडली, मित्र मंडली, साथ ही मेरे हमारे वैदिक ब्राह्मणगण, वीर उपाध्याय जी,
चंदन उपाध्याय जी, सुभाष मिश्रा जी, बामंग में विराजमान उमंग पटेल जी, बालाघाट बासरी वादन में, साथ ही मुख्य स्वर की रागनी देने वाले स्वर सम्राट हमारे रामशरण जी, भुवन जी, साथ ही लोकेश कुमार जी, मनोज जी और शेष नारायण जी, साथ ही इस महायज्ञ को एक दृष्टि से अपनी ओर केंद्रित करने वाले इस इलेक्ट्रॉनिक सुविधा के माध्यम से हमारे साथ आए हुए इस YouTube चैनल के प्रधान संचालक हमारे पंकज जी, आप समस्त बंधु बांधव, साथ ही विगत 3 वर्ष पूर्व जिस मंच की शोभा आपने पुनः बनाई थी, जिनके ही तत्वाधान में ये डेकोरेशन हुआ था लाइट माइक की, माही टेंट हाउस, आपका भी और आए हुए जितने भी श्रद्धालु वृंद हैं यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित, परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो, आप सभी को आज आपकी पावन धराधाम ग्राम चौभंडी जब पवित्र प्रेला में पवित्र समय में यशो अवसर आज एकादशी और एकादशी के पावन मेला में 1 फरवरी एक का जो समन्वय हो रहा है बहुत ही सुंदर, हमने जितनी भी कथाएं दी प्रायः 1 तारीख से आरंभ की थी, विगत समय में हमारी कथा 1 नवंबर को आरंभ हुई, वहां हमने कथा करी 1 से 9 नवंबर तक, ये कथा यात्रा चलते चलते फिर 1 दिसंबर से कथा आरंभ हुई और पुनः वह कथा होते होते नूतन वर्ष हम तथा कथित, अपना तो नूतन वर्ष बाद में आता है लेकिन तथा कथित 1 जनवरी से पुनः आरंभ हुई कथा, भिलाई 3 में हम कथा दिए, 1 से 9 जनवरी तक की भागवत की यात्रा वहां हमारी संपन्न हुई, 10 जनवरी से पुनः यात्रा प्रस्थान करते हुए पावन धराधाम महासमुंद ग्राम तुम गांव में कथा आरंभ हुई, 11 से 19 जनवरी तुम गांव में कथा हुई, 20 की यात्रा हुई, पुनः फिर 21 जनवरी से आप ही के क्षेत्र धमतरी आशा गोशाला में भागवत की कथा आरंभ हुई और वह कथा बड़ी रोचक थी, रमणीय थी, एक ऐसी अलौकिक कथा जो समस्त पुराणों का सार लेकर के हमने कथा गान किया, निमित्त मात्र तो श्रीमद्भागवत था लेकिन उन 9 दिवसों में हमने 9 प्रकार के पुराणों का उल्लेख किया, प्रतिदिन अलग अलग पुराणों का हमने एक विषय चयन किया, प्रथम दिन हमने श्री महापुराण की कथा का वाचन किया था, दूसरे दिन रामचरितमानस की कथा हमने गाई, तीसरे दिन देवी भागवत की कथा हुई, चौथे दिन भागवत महापुराण की कथा हुई, इस प्रकार कथा क्रम बढ़ते बढ़ते नाना पुराण निगमागम सारे पुराणों को हमने लेकर के अभी अभी गौ कथा करके आपके बीच पधारे हैं, कथा वहां विश्राम हुई, 2 दिवस तक लगातार अनवरत शोभा यात्रा चली और शोभा यात्रा संपन्न करके हम सीधा वहां से कथा विश्राम किए और आपके पावन धराधाम ग्राम चौभट्टे में प्रवेश किए। बहुत लोगों को तो ज्ञात ही नहीं कि हम कल से ही आ चुके हैं, बहुत आए आप सबने जो जानकारी दी थी जनमानस को, कल आप सबने जो स्वागत किया था
हृदय भराया था, मेरा गदगद हो गया था मन, ऐसा उत्साह, ऐसा स्वागत कह दूं तो अतिरेक होगा, लेकिन सत्य कहूं कि आज आपके मध्य में यदास को कथा करते हुए, तब शायद हमारी कथा बहुत कम थे, लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद फलस्वरूप आज आपकी पावन धराधाम ग्राम चरभट्टे में जो भागवत की कथा की यात्रा हो रही है हमारी, वह 73वां भागवत की कथा पूरी होने जा रही है। और मैं बहुत हर्ष के साथ कह रहा हूं कि मैंने 70 से भी अधिक भागवत कर ली है, 73वां भागवत आपके यहां आरंभ हो रहा है, लेकिन जो स्वागत है और जो अभिनंदन आप हमें प्रदान किए, कल हमें जो आप सबका स्नेह पाया, स्वागत का जो उत्साह मैंने युवाओं में देखा, ऐसा अब तक की यात्रा में मैंने कदाचित कहीं देखा होगा, और इतिहास में पहला है ये। और हर बार एक नया होता आया है, हमने सोचा कि चोरभट्टे में कथा देंगे, पहली बार कथा जैसे भी हुई संपन्न हो गई। द्वितीय वर्ष एक मन में जागरूकता आई युवाओं की, कथा का थोड़ा प्रारूप बदला जाए, थोड़ा स्थान बदला जाए, विचार बदला, और दूसरे साल की कथा भी सानंद संपन्न हुई। कुछ संकल्प थे हमारे रामस्वरूप जी का, और कुछ भाव था हमारे पूरे टीम का, और इस कृष्ण सखा टीम का सदस्य मैं भी हूं, अपने आप को तो मैंने यही माना है, आप मानो ना मानो, पर मैं तो हूं, तो मैं अपनी टीम में ही कथा करने के लिए आया हूं। इस भाव से मन में एक मंथन चढ़ा था, विगत 2 वर्षों तक लगातार हमने कथा गाई, क्या हम उनके अनुरूप ढल पाएंगे। विगत समय में आप सबने हमको सुना था, जाना था, मिले थे आप सब, निकट से परिचय था हमारा, हम क्या खरा उतर पाएंगे। ये पहली बार की कथा के बाद हुआ, दूसरी बार थोड़ा उत्साह जगा, लगा कि हाँ कुछ तो नया है। तीसरी बार मन में कसम कसती, सच कह रहा हूं, क्या तीसरी बार की कथा हम वह उत्साह दे पाएंगे, क्या वही रोचकता रहेगी, क्योंकि गांव में भांति भांति के लोग रहते हैं, प्रश्न बार बार उठते रहते हैं, क्या उसी महाराज को लाना जरूरी है, क्या वही महाराज फिर से आएगा। तो याद रखना, महाराज वही हो सकता है, आयोजक वही हो सकता है, मंडप वही हो सकता है, पर कथा हर बार नई होती है मेरे प्यारे, कथा हर बार नई है। ज्ञान की ये गंगा है नित नई पुरानी, दिने दिने नवम नवम, सदा से ब्या श्रीमद भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम् समाश्रय। पर कथा तो नहीं दूंगा मैं आप लोगों को, इतना विश्वास रखना, जब आप लोगों ने मेरे प्रति इतना भाव रखा है, एक नया होना चाहिए, एक यूनिक होना चाहिए, ये सब आया था मेरे लिए। हरिलाल आपने ही कहा था बेटा मुझे, महाराज जी आप थोड़ी देर ठहरिएगा, जब हम आ रहे थे तो कुरुत के निकट पहुंचे ही थे तो हमें फोन आया सबका, महाराज जी आप सीधा ग्राम मत आइएगा, थोड़ी ठहर जाइए। तुमने कहा क्यों भाई, सुबह से तो कॉल जा रहा था महाराज जी कब आओगे कब आओगे, और जब बहुत निकट आ गए तो कहते हैं मत आओ, हम थोड़े घबरा से गए, मत आओ क्यों हो रहा है। बाद में फिर कारण पता चला कि महाराज जी आने से पूर्व थोड़ा सा हम एक व्यवस्था बना रहे हैं, आपके आगमन की तैयारी हो रही है, और ऐसा स्वागत होना चाहिए जो अब तक ना हुआ हो। और सच में ऐसा हुआ, मैंने देखा, हमने जो प्रतीक्षा करी, लोग कहते हैं ना प्रतीक्षा का फल क्या मिलता है, तो हमें तो बहुत मीठा मिला है, ये बात हम कहेंगे। और कल आप लोगों ने जो उत्साह दिया था, बहुत आनंद था, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए, क्या सजा था, बहुत प्यारा लगा मुझे आप सबके द्वारा दिया गया सम्मान, वो अपनापन, वो प्रेम,
आज भी कहीं ना कहीं आप सबके हृदय में भरा हुआ है प्रेम। कई साल पहले चेहरे बदल जाते हैं लेकिन लोग वही रहते हैं। जब हम पहली बार आए थे पूरे हमारी युवा टीम, किसी के पास में कोई कार्य विशेष नहीं रहता था, जिम्मेदारी से एकदम मुक्त हुआ करता था। कभी ये गांव कहीं बाहर नहीं था किसी के सर में। दूसरे वर्ष जब आए किन्ने किन्ने भारों से आप लोग लद गए थे, लेकिन अब तीसरी बार आए हैं तो और पद भारों से आप लोग लदे जा रहे हो। मुझे बहुत आनंद आ रहा है कि मेरे युवा अब प्रगति की ओर जा रहा है। और मैंने एक दिन कहा था कि हमारे जो बुजुर्ग अंगन हैं, पिता तुल्य हैं, इनके होश और जवानों पे जोश, इन दोनों का समन्वय हो जाए तो कोई कार्य अधूरा नहीं रहेगा। और ये संकल्प भागवत का यह प्रमाणित करता है कि हमारे युवाओं के जोश ने और हमारे वृद्धों के होश ने इतना बड़ा यज्ञ आरंभ करवा दिया। मेरे प्यारे इतना बड़ा यज्ञ आरंभ करवा दिया। मैं गदगद हूं हृदय से। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं, कहना तो बहुत कुछ है मुझे, लेकिन वाणी मुखर नहीं हो पा रही है आप सबको देखते हुए। भाव बस यही कल से जग रहा है। मैं यह कहने के लिए नहीं कि आपके मन को तसल्ली मिले कि आचार्य जी ने हमको आनंदित किया तो हमारी बड़ाई करी है, नहीं, आप पात्र हैं। इतने वर्षों से मैंने यात्रा करी लेकिन जो यात्रा आपके ग्राम में कल हुई स्वागत की, ऐसा तो अभी तक ना हुआ था और आगे भविष्य में कदाचित हो पाएगा। मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, आयोजक परिवार को धन्यवाद देता हूँ और इस धरती को प्रणाम करता हूँ कि जहाँ की चौभट्टी के मिट्टी का सुगंध हमको यहाँ तक खींच लाया है। इस धरती से मेरा लगाव है, जुड़ाव है, जो आप सबके आग्रह को मैंने स्वीकार कर भी लिया। चूंकि कथा हम अन्यत्र देने वाले थे तो हेमंत जी, कमलेश जी बहुत आग्रह करके, नहीं नहीं महाराज जी हमको यह चाहिए। तीन बार कथाएं यहाँ का हमने बदला, जो जो डेट मांगते गए वो डेट हमें कैंसिल करना पड़ता था। हमने कहा चलो 1 फरवरी से हम आपको समय देंगे। फिर जैसे हमने 1 फरवरी का संकल्प किया, आप सब आए हम तक मिलने के लिए, तीसरे रोज बाद पुनः कसडोल से हमारे पास में लोग आ गए कि महाराज जी हमको 1 फरवरी से भागवत चाहिए। हमने कहा नहीं दे सकते, अभी हमें कथा देके संकल्प कर दिए हैं और संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। फिर भी मन में जाता था, कुछ विषय आती थी जाती थी कि 1 फरवरी वाला निश्चित होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि कथा नहीं होती तो और कहीं अन्य का योग बनता, लेकिन नहीं, बुलाना चाह रही थी धरती मुझे और मेरा भी तो मन हो रहा था कि अपने बीच में आऊं, अपने लोगों के बीच में आऊं। अनेक स्थान पर मैंने कथा गाया, छत्तीसगढ़ के ऐसे कुछ एक जिला होंगे जिन जिलाओं में जाने का अवसर ना मिला हो मुझे। प्रायः प्रत्येक जिला में जाकर के दास कथा करके आ चुका है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ से बाहर भी जाकर के कथा गाने का इस दास को अवसर मिला है और श्रीधाम वृंदावन में भी कथा गाने का अवसर मिला है। आप सबका आशीर्वाद रहा है मुझ पर, प्रेम रहा है और उसी प्रेम को पाने के लिए पुनः ये दास आपके बीच आए हैं। जो प्रेम आप सबने पहले भी दिया था, जो स्नेह दिया था, जो अपनत्व दिया था, वही बरकरार रखिएगा। यही कहते हुए प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम परिचय को पहचान बना देती है, प्रेम बिरानी को गुलिस्तान बना देती है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों के नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देती है, प्रेम इंसान को भगवान बना देती है। तो प्रेम ही तो है जो खींच लाया है हमें आपके बीच में। विक्राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। उतार चढ़ाव आते गए कई बार, परिस्थितियां बनती गई, बिगड़ती गई, हालात कभी सुधरते गए कभी बिगड़ते गए,
लेकिन संपर्क नहीं छूटा हमारा आप सबका। मेरे प्रत्येक सुख में भी दुख में भी आप सबने मेरा साथ दिया है। एक और जहां मेरे पर युवा टीम बैठी है, सबको ज्ञात है मेरे वह घटनाएं, वह जीवन के दुख भरे दिन, अब दुख नहीं कहूंगा सुख भरे दिन है अब तो ऐसी स्थिति मुझ पर आ गई थी, परिस्थिति ऐसी विपरीत आ गई थी जीवन की, आप सबने मुझे संबल प्रदान किया और मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ अपने भाई का जिन्होंने मुझे फोन पर फोन करके मेरा हाल चाल पूछा कि भाई कैसे हो आप, क्या स्थिति है अभी, कैसा है वातावरण, अब स्वस्थ तो है ना। हर बार मुझे जायजा लेते थे, मेरे पूछते थे, फोन करते रहते थे, जीतू मुझे लगाव है तभी तो आप सब मुझसे इतना जुड़े ना, लगाव नहीं होता तो फिर आए महाराज जी कथा किए चले गए। ये अपना तो बना के रखना आप सब, बहुत गदगद हूं मैं आप सबके बीच में आकर के, क्या कहूं समझ नहीं आ रहा है, कुछ बोलना चाहूं तो समय की अतिरेक है, समय इजाजत तो नहीं दे रही है कि कुछ बोलूं मैं। आप सब यदि कहो तो मैं कुछ कहूं, नहीं तो फिर आज की इस बेला को यही व्यासपीठ की पूजन के साथ विश्राम कर दें, क्योंकि जब हम यात्रा में थे तो तीन बातें हमारे अंदर गुंज रही थी, व्यवस्था, व्यथा और व्यवस्थित। तो ये तीन चीजें हमारे अंदर आ रही थी। प्रथम तो व्यवस्था को लेकर के, व्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव हो रहा, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है, यह लेना है वह देना है, अभी तक ये हुआ नहीं है, वेदियां नहीं बनी है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। कमलेश को बड़ी चिंता रहती थी इस सब चीज, रोज फोन करता था कमलेश, एक दिन पहले आ जाओ, कैसे आते, कल शोभा यात्रा संपन्न हुई और आज आपके बीच पहुंचे हैं। पर वहां की शोभा तो शोभा थी, यहाँ की यात्रा भी शोभा यात्रा थी, एक दिन का भी समय गैप नहीं बचा हमारे पास में, अविरल यात्रा है, एक दिन भी हमारे पास रेस्ट करने का समय नहीं है। नवंबर से यात्रा आरंभ हुई है, दिसंबर यात्रा हुई, जनवरी से एक से आरंभ हुई है, एक दिन के लिए भी घर जाने का मौका नहीं मिला है। यहाँ कथा आरंभ हो रही है, 9 तारीख तक कथा यहाँ चलेगी, 10 तारीख को दीनदयाल कॉलोनी पाटन में यज्ञ होगा, 11 तारीख से पावन धराधाम ग्राम चुरभट चंगोरी में कथा आरंभ हो जाएगी, 11 से लेकर 19 तारीख तक चंगोरी में कथा होगी, 20 तारीख को दीक्षा संस्कार संपन्न होगा, कल बच्चों को दीक्षा दिया जाएगा। नुहर आया था, कहाँ गए नुहर, पीछे सिर झुकाए बैठा है, नेहा और नुहर कल आकर के मुझे बोले कि गुरुजी दीक्षा लेनी है, हमने कहा ठीक है, गुरु बनाना है, ये बोले मुझे गुरु बनाना है, ये मत बोलना कभी गुरु मत बनाना, गुरु कभी मत बनाना है, गुरु बनाया ही नहीं जाता मेरे प्यारे, ये शब्द कभी मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए दोबारा कि हम गुरु बनाएंगे, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु बनाने की चीज है ही नहीं। कभी मन में भाव जगे ना तो ये कहना हम शिष्य बनेंगे, गुरु बनाया नहीं जाता, शिष्य बना जाते हैं मेरे प्यारे, गुरु बनाया नहीं जाता शिष्य बना जाता है। अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शाधी माम तपन्ना, हम शिष्य बनेंगे यह कहना, गुरु बनाएंगे यह मत कहना, हम कौन जो गुरु बना सकेंगे प्यारे, गुरु तो बना बनाया आता है ना, गुरु कोई चीज थोड़ी है जो बनाया जाएगा, गुरु तो परम तत्व का नाम है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम ब्रह्म का नाम है, परम सत्ता का नाम है गुरु, इसलिए गुरु बनाई नहीं जाती, शिष्य बना जाता है। अब कभी अवसर लगे ना तो ये कहना हम शिष्य बनेंगे गुरु बनाएंगे नहीं, शिष्य बनेंगे शिष्य से। आप लोग यदि मुझे साथ दें तो मैं कथा करूं, नहीं तो आप की स्थिति परिस्थिति देखते हुए मुझे लग रहा है लंबी यात्राएं हो चुकी हैं
और मर्यादा भी नहीं कि हम इतनी रात तक कथा में आप सबको बिठा के रखें, चूंकि कथा के चलते आपको व्यथा ना हो हम ये चाहते हैं। कथा व्यथा को तो दूर करती है, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस कथा के चलते आपके मन में व्यथा उत्पन्न हो जाए। इसलिए आप लोग जो विनय करें, आदेश तो नहीं दिया जाता व्यासपीठ को, हाँ तो जो आप लोग मत दे दे अपना, हम बहुमत में चलने वाले हैं, यदि आप सब कहो मणिग्राम जी तो हम कथा आरंभ करें, अथवा तो फिर आज की इस बेला को, आज की संध्या को यही विश्राम करें। राम स्वरूप जी आज किस बेला को यही विश्राम करते हैं, कल गुरु दीक्षा संपन्न होगा, शिष्य को दीक्षांत होगा, पहले उनको मंत्र दिया जाएगा, पश्चात फिर दीक्षा आरंभ करके विधि पूजन होगी, और विधि पूजन के बाद नियत जो समय रहेगा, समय आपने क्या दिया है यहाँ का मुझे ज्ञात तो नहीं है, 1 बजे से आप लोग संध्याकालीन सत्र का समय बता देते तो थोड़ा बढ़िया होता। हरी इच्छा भावी बलवान, अपना सोचा कुछ नहीं होता, हम कितना भी सोचे हम 5 बजे बंद कर देंगे, 6 बजे बंद कर देंगे, लेकिन उत्साह बढ़ते बढ़ते एक अब 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हम पहले समय लिखा करते थे कार्ड में, इतने से इतना, 12 से 5, 1 से 6, अब हमने पीछे लिखना है बंद कर दिया, प्रायः हमने कार्ड में अब पीछे समय लिखना बंद कर दिया, कारण कि हमको पता है अपने सोचने से अपने समय, समय किसी के हाथ में है भी नहीं, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात। अच्छा आपको बताओ, चल थोड़ी बातें कर लेता हूं, नहीं तो आप कहोगे कुछ नहीं बात किए चले गए, इतने दिनों बाद मिले हैं तो कुछ तो बातें करना पड़ेगा। पहले तो जब मुलाकात होती तो इंट्रोडक्शन होता है ना एक दूसरे का, है ना, फर्स्ट जब हम एक दूसरे से भेंट करते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है, और यहां मुझे नहीं लगता कि हम किसी का परिचय अलग से और देना पड़े, क्योंकि अनजान जगह तो है ही नहीं, ऐसा कौन होगा बिरला जो मुझे जानता होगा, आप में से कोई नए हो क्या जो मुझे नहीं जानते हो, बता दो, ऐसा में कोई युवा टीम है जो मुझे ना जाने, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं अनजान हूं आप लोगों के लिए, कदाचित आप लोगों ने मुझे कभी सुना हो ना सुना हो, कभी मिले हो ना मिले हो, पार्वती कैंटरिंग के नाम से आप सब बाहर रहते हो सकता है शायद हेमंत कथा ना सुना हो सकता है कमलेश कथा ना सुन पाया हो, कभी कभी मुझसे मुलाकात हुआ ना हो, लेकिन यहां ऐसा कौन है जो मुझे पहली बार देख रहे हो, हाँ कोई नहीं ना, इसके पूर्व भी हम सब मिल चुके हैं ना, मिले हैं कि नहीं मिले हैं, सब मिले हैं, फिर भी एक पहचान परिचय जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन जरूरी होता है, कि जाने बिनन होई पड़ती थी, बिनु पड़ती थी होई नहीं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सोई जाने ही जेहि देहि जनाहि, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाहि, तो आवश्यक है एक दूसरे से परिचय रखना, पहचान रखना। तो इस परिचय की बेला में वैसे तो मैंने सबका नाम उल्लेख कर दिया, सबको बता ही दिया क्या कौन है जो अनजान है, विगत समय में 3 जोड़े बैठे थे ना परीक्षित के रूप में, हाँ 4 जोड़े बैठे थे, हरिदास जी तो बैठे थे, आप भी बैठे थे, हमारी आनंद जी भी बैठे थे, कहाँ है वो लोग दिख नहीं रहे, भांजिया तो मुझे दिखी थी जल यात्रा के समय। और कौन बैठा था जोड़े में, बाल मुकुंद, हाँ हाँ आप बैठे थे, ठीक ठीक ठीक, विगत समय में आप लोग बैठे थे, अब इस बार तो ऐसे जोड़े हैं, भगवान ने सबको जोड़े हैं,
आपसे हमको जोड़े हैं, हमसे आपको जोड़े हैं, तो न जाने कितने जोड़े हैं और किसने जोड़े हैं, ये अभी तक किसे ने नहीं जोड़े हैं, कितने जोड़े हैं, किसने जोड़े हैं, ये अभी तक किसे ने नहीं जोड़े हैं, या जितने हैं सब जोड़े हैं, चाहे आप हमसे जोड़े हैं चाहे हम आपसे जोड़े हैं, लेकिन रिश्ते एक दूसरे से जोड़े हैं। घटना नहीं चाहिए, जुड़ना चाहिए, जुड़ते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ के चलो सबको। और कल दीक्षा के लिए होमेंद्र भी आने वाले थे, होमेंद्र कहाँ हैं, नहीं बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, खूब हाँ हाँ ससुराल चला गया, वो भी जोरी ससुराल ही लग, प्यारी लगे जब तेरे पुरु कुटुंब लगे तब ते, वो भी जोरी है। यमन जी आप निर्देश करो कि मैं करूं क्या, यदि आप सब कहो कि आज की बेला को यहीं विश्राम करते हैं, अधिक रात्रि हो रही है तो ठीक, नहीं तो फिर आप लोग जैसा कहो कि हम कथा दे दें, बहुत प्यारी बात है। आइए एक संकीर्तन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जी एक संकीर्तन हो जाए पश्चात फिर आज की बेला को यहाँ विराम करते हैं। और कल नियत समय आप लोग आइएगा अपने घर से सारे कार्य निवृत्त करके, 1 बजे का जो समय हमने दिया है 12:30 बजे तक बिल्कुल आप लोग तत्पर रहिएगा, और फिर हरी इच्छा तक जहां तक ये कथा यात्रा चलेगी करते रहेंगे। आइए वाणी को पवित्र कर लेते हैं, प्रसाद फिर चलेंगे आरती करा करके अपने अपने प्रस्थान की ओर। बोले नारायण भगवान की, सर्वेश्वर भगवान की, हरिओम 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 हरिओम। अब तक आवाज मिली धरा
भगवान की पावन पुराण की आरती हो
भगवान की और जो उतारो अपने भागवत भगवान की कृष्ण सत्य है अर्ध है राधा 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 नित्य अनादि अनंत अबाधा नित्य अनादि अनंत अबाधा लीला रस अनंत अनुराधा लीला रस अनंत अनुराधा रास रहस्य सुधा अबाधा रास रहस्य सुधा अबाधा सागर में लहरे जैसे सागर में लहरे जैसे लहरों में सागर जैसे लहरों में सागर जैसे ऐसी तरल छवि प्यारे श्यामा श्यामा श्याम की आरती हो तरो अपने भागवत भगवान की आरती हो तरो अपने भागवत भगवान की आरती हो तरो अपने भागवत भगवान की निगम कल्प करके छाया में 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 आए हैं हम हाथ पसारे आए हैं हम हाथ पसारे सोके शून्य हृदय हम सब सोके शून्य हृदय हम सब करे याचना द्वार तुम्हारे करे याचना द्वार तुम्हारे दे दो हमें ऐसी शक्ति दे दो हमें ऐसी शक्ति मिल जाए भगवत भक्ति मिल जाए भगवत भक्ति जीवन में रस धार रहे भागवत भगवान की आरती हो तारो अपने भागवत भगवान की आरती हो तारो अपने भागवत भगवान की आरती हो तारो अपने भागवत भगवान की भागवत भगवान की पावन पुराण 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 की आरती हो तारो भागवत भगवान की आरती हो तारो अपने भागवत भगवान की आरती हो तारो अपने भागवत भगवान की आरती हो तारो अपने भागवत भगवान की भरपूर गौरव करुणाम संसार सारम बुजगिंद्र हार सदैव सत्यम हि जानकृत्य तव भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राजमाला कुलकालमाल कपालमाला शिखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ओ नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 शीतले गरणम पुष्पै देवाभिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम यानि कानि जपापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे प्रदक्षिणायां
प्रदे प्रदे अधमंद्र पुष्पांजलि यजमानस्य हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृत्वा हरि ओम मा जगनेना जगनामाया जन्ता देवास्ताने धर्मानि प्रधमान्या सन्नाति हनाकं महिमानः सचन्तयतरा पूर्वे साध्या संति देवा हरि ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परम हंसाय धीमहि तन्नो शुक प्रचोदयात् कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे वजाप्रियां कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रीतासुतां नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो वाणि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणान् परमेश्वर गृहाणान् कृष्णेश्वर गृहाणां परमेश्वर इति मंत्र पुष्पाणि समर्पित श्री भागवत पुराणाय नमो नमः प्रेम सबल वृंदावन विहरी लाल की जय हो मोर मुकुट वंशे वाले की जय हो राधा सरकार की जय हो नारायण भगवान की जय हो भागवत महापुराण की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कार्यों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ हत्या बंद हो गौ माता की सेवा हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो आज की आनंद की जय हो आज की सत्संग की जय हो नमः पार्वती पताये हर हर आप सभी को जय श्री राधे आप सभी का रात्रि शुभ हो जय जय श्री राधे हरे 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 श्री राधे श्री राधे हरि 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 श्री राधे जितने भी यजमानगण हैं उनसे निवेदन है कि कल सहपत्नी के साथ पूजन में जरूर सम्मिलित हुए आप सभी से निवेदन कि सहपत्नी के साथ कल पधारे जय श्री राधे जय श्री राम हरि श्री राधे मेरी लगी श्याम से
दुनिया धरने ओ मेरी लगी सबसे प्रे दुनिया धरने
बिसराई गोपिया भगे आई गोपिया भागी आई लोक लाज कुछ कामना आई लोक लाज कुछ मामना आई लोबाज 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 उठा संगे लगनिया था जाने लगी शाम से दुनिया चाह जाने मुझे लगी शाम से दुनिया क्या जाने हिलती श्याम से भी दुनिया क्या जाने ओ क्या जाने कोई क्या जाने 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 ओ मेरी लगी मेरी लगी मेरी लगी श्याम से भी दुनिया क्या जाने लगी श्याम से भी दुनिया क्या लगी शाम से भी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम से भी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम से भी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम से भी दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम से भी ये दुनिया क्या जाने मेरी लगी शाम से भी दुनिया क्या जाने ओ मेरी लगी शाम से प्रिय ये दुनिया क्या जाने समय अभाव के कारण और हेलो 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 एक सूचना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के आपके ग्राम इसे हो गए हैं छत्तीसगढ़ के पावन धरा में बसे हमारे ग्राम चोर भट्टी जी के बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ कथा का प्रवाहित होने जा रहा है। मैं सभी माताओं बहनों ग्रामवासी से निवेदन करते हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के श्रवण करने के लिए आप अधिक से अधिक संख्या में अपना अमूल्य समय दे करके इस कार्यक्रम का आनंद लें और कथा का श्रवण करें और ग्राम के जितने भी हमारे बुजुर्ग सियान हैं मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि संध्याकालीन श्रीमद् भागवत महापुराण की होनी है उसमें सम्मिलित होने की दया करेंगे कष्ट करेंगे। हाँ आरती के समय निश्चित रूप से आप लोगों का आना अनिवार्य है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ प्रार्थना करता हूँ माताओं से विशेष कर निवेदन करता हूँ कि अपने घरेलू कार्य से निवृत्त होकर के इस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण करने की दया करेंगे। इस धर्म मंच ज्ञान मंच और श्रीमद् भागवत महापुराण मंच आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है स्वागत करता है। आप सभी से निवेदन बार बार प्रार्थना कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार करके इस 7 दिनों को कार्यक्रम को संपन्न बनाने में भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे। इसी शुभ धन्यता के साथ बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हाँ और एक सूचना है कि जितने भी यहाँ समस्त परीक्षा यजमानगण प्रातःकालीन वेदी पूजन के लिए आप समनुसार उपस्थिति प्रदान करें प्रातःकालीन मूल भागवत कथा का